हेलो एवरीवन, हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं एक स्टैटिक वेबसाइट को एचटीएमएल और सीएसएस के माध्यम से। यहाँ पे मैंने अब तक 4 वीडियो बनाए इसके और ये 5वां सेशन है। तो अगर आप कंप्लीट सीखना चाहते हो वेबसाइट बनाना तो खुद का बना सकते हो। हम यहाँ पे एक पेज लेंगे, कंट्रोल एन किया, और ये वीडियो का पेज है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया कुछ कोड। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको हमने सेव किया कंट्रोल एस करके, किस नाम से, वीडियोस के नाम से .html। ठीक है, html फाइल है तो html हमने रख दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बॉडी भी क्लोज करनी है, बॉडी क्लोज कर लिया। इसके बाद हमें क्लोज करनी है html, html क्लोज कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें वीडियो इंसर्ट करना है। वीडियो इंसर्ट करने के लिए क्या करिएगा, इंसर्ट यहाँ पे टैग यूज़ करिएगा, वीडियो वाला टैग। ठीक है, यानी वीडियो टैग, और src का इस्तेमाल इसमें भी होगा, इज इक्वल टू आपका जो वीडियो है जहाँ पे लोकेशन। देख लीजिए, जैसे हमारे पास लोकेशन है वीडियो का, यहाँ पर एक फोल्डर है, फोल्डर के अंतर्गत सब वीडियोज़ पड़े हैं। ठीक है, फैशन वगैरह, फैशन शो या और भी वीडियोज़ हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार। सबके हम नाम दे देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर टाइप करेंगे वीडियो, वीडियोस का नाम था हमारे पास, और यहाँ पर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो फाइल हम मंगाना चाहते हैं। हम लिखा शो वन के नाम से, और किस फॉर्मेट में है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, MP4 फॉर्मेट है। ठीक है, ये देने के बाद यहाँ पर इसका टाइप भी लिखोगे, टाइप इज इक्वल टू, यहाँ टाइप कर दोगे वीडियो /MP4। कंट्रोल एस करो। अब इसको दिखाना चाहते हो कि ये पेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये पेज अगर आप रन करना चाहते हो कंट्रोल आर करो, रिफ्रेश हो जाएगा। वीडियोस पे चले जाओ। ठीक है, जैसे आप वीडियोस पे जाओगे तो यहाँ पर कोई लिंक ही एक्टिवेट नहीं है। ओके, हम गैलरी पे जा रहे हैं तो काम हो रहा है और वीडियो पे काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमें पेज एक्टिवेट करना पड़ेगा। और कौन सा पेज देख लेते हैं, पेज को लिंक करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पर ये बोला कि ये जो पेज है यहाँ पे किस कहीं पे भी इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन देना पड़ेगा ना। डेफिनेशन कैसे, जो ये वीडियो लिखा है यहाँ पर हर जगह कहीं से भी ओपन कर रहो तो इसका डेफिनेशन होना चाहिए HTML। ठीक है, देखो वीडियोज़ है तो वीडियोज़ लिखना पूरा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन पे भी जाओ, यहाँ पे भी आपने दे दिया videos.html। ठीक है, हर जगह इसका डेफिनेशन दे देंगे। डेफिनेशन देने के बाद हम वापस जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब हम क्लिक किए, हम गैलरी पे क्लिक किए, काम हो रहा है, वीडियोस पे काम नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं है। एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा, किसी भी पेज पे आप कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे कंट्रोल एस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे पेज हैं अलग अलग है ना, सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके वो पेज पर रन करेगा। इसको सेव कर लिया करिए हर पेज को। जब कभी आप सही काम करो और पेज पे वो डेटा ना आए तो समझ लो कुछ प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम क्या, सेविंग नहीं हुआ। तो कंट्रोल आर कर लो, रिफ्रेश हो जाएगा। अभी ये वीडियो आ चुका, लेकिन यहाँ पे शो केवल बस वीडियो का फॉर्मेट दिख रहा है और ये रन नहीं हो रहा है, तो इसको रन भी हमें कराना है। ये हमारे पास वीडियो कोड है, देख लो यहाँ से, ये वीडियो के अंदर मैंने दिया और इसको हमने रिफ्रेश किया पेज को, और यहाँ पर वीडियो आ गया। इसको बड़ा करके भी देख सकते हो। ठीक है, और हम चाहते हैं कुछ और वीडियोस लगा देना यहाँ पे, तो बहुत आसान होगा हमारे पास वीडियो लगाना। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया शो वन के नाम से। ठीक है, शो वन भी आना चाहिए यहाँ पे। कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे, देखो दो वीडियो आ गया। ठीक है, और हमने जो सबका नाम दिया था सेम वही प्रोसेस रहेगा हमारे पास, और हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और शो थ्री के नाम से दे देंगे इसको। सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है, और एक और वीडियो मंगाना है तो आप वीडियो मंगा लो, पेस्ट किया शो फाइव के नाम से, रिफ्रेश। ओके, एक साइड में पेपर आ गया, ये पूरा पूरा वीडियो आ गया। आप चाहते हो कि और वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मिलेगा आपको, सो फाइव
फाइव हो चुका सिक्स, रिफ्रेश, और इस तरीके से आपके पास जितने भी वीडियोस हैं आप उन सबको यहाँ पे रिफ्रेश करके मंगा सकते हो। सिक्स सेवन हो गया, हम देख लेते हैं हमारे पास वीडियो कितने हैं। हमारे पास वीडियो सिक्स तक यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, और एक हम देख लेते हैं आतिफ के नाम से है तो हम आतिफ साहब को भी सेव कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं ये फाइल का नाम है आतिफ। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। ओके, और पेज पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्ले करो। ओके, अब यहाँ पर ये इंडेक्स पेज जो हमारे पास है, हम जाते हैं इंडेक्स पेज के हीडर में, कहाँ पर, यहाँ पर म्यूज़िक भी चलता रहे और म्यूजिक भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में अपना अच्छे से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कोड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिख देंगे ऑडियो कंट्रोल SRC, और देखो यहाँ पे ऑडियो सिम इम्पोर्टेंट क्या होता है, ऑडियो इसका भी टैग है, कंट्रोल लिखोगे और SRC इज इक्वल टू फाइल का नाम और इसका फॉर्मेट जो होगा, टाइप में लिखना होगा आपको ऑडियो और MPEG, और ऑडियो कंट्रोल करके इसको सेव कर लो। इसके साथ ही एक और लगाना चाहते हो ऑडियो, आपने क्या किया, लगा दिया ऑडियो, इसको क्लोज किया। इसमें हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट वही होगा ना, तो हमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, केवल कॉपी करेंगे। ठीक है, एक बार काम कर लिया हमने ना, कॉपी कर लिया तो पेस्ट कर लो सीधा सा, और केवल फाइल का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे समझो हमारे पास फाइल कौन सा है, हमारे पास फाइल कुछ पड़े हुए हैं, देख लेते हैं। एक फाइल है हमारे पास ये वाला, तो हमने इसको लिख दिया अमित, और इस फाइल को हमने क्या किया, यहाँ से हटा करके लोकेशन चेंज कर दिया हमने, यहाँ रख दिया बाहर। ठीक है, इसके बाद इसको भी हमें उसमें सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइल लिखा हुआ है लिख देंगे अमित, अमिताभ बच्चन का आवाज़ है, तो इसको हमने सेव किया कर लिया। इसको रिफ्रेश कर लो पेज को Ctrl+R, अब आपको दो ऑडियो दिखेंगे। म्यूजिक अब चला के यूज़ कर सकते हो, जी देखो दो चला सकते हो एक साथ, म्यूजिक को कम भी कर सकते हो। ओके, आप वेबसाइट पे विजिट करो, आराम से देख लो आराम से। ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, बाकी और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। आप वीडियोस पे जाओ, वीडियोस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे, इसको बड़ा करके भी देख सकते हो। इसका पिक्चर भी निकाल सकते हो यहाँ से। ओके, इस साइड में भी दिखा सकते हो, मतलब ये होता है कि इसमें हम काफ़ी खूबसूरती के साथ सारे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा वीडियोस का पेज, और लास्ट वाला पेज बचेगा अबाउट। अबाउट के साथ फिर कॉम्बिनेशन का पूरा पूरा कंप्लीट में बताऊंगा कि कैसे कहाँ यहाँ पे क्या चीज़ पुट करना है, और बाकी चीज़ें कैसे हम सेट करेंगे, फूटर कैसे सेट करेंगे, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, और होम पेज को कैसे मैनेज करेंगे इसको भी मैं पूरा पूरा डिस्कस करूँगा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपके पास कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।